नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पगड़ी मेकर यादव में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पठानी कुल्ला। इसे बोलते हैं पठानी कुल्ला, इसको पठानी पगड़ी भी कहा जाता है, पर ज्यादातर पठानी कुल्ले के नाम से ये प्रचलित है। तो ये कुल्ला कैसे बनाते हैं यह मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। पठानी कुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुल्ले का शेप। यह मैंने पेपर का बनाया हुआ एक शेप है, इसको आप रबर शीट में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये रबर शीट का बनाया हुआ एक पठानी कुल्ले का शेप है। ये इस प्रकार का भी शेप आप बना सकते हैं। कुछ लंबा चाहिए तो ये इस प्रकार का एक लंबा शेप भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार पठानी कुल्ले के अलग अलग शेप्स होते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं इस मोल्ड पे पठानी कुल्ला। पठानी कुल्ला बनाने से पहले सबसे पहले हम इस मोल्ड को स्पंज से कवर करते हैं, ताकि ये जो खुरदरापन है वो प्लेन हो जाए। स्पंज लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे गोल्डन कपड़ा। गोल्डन कपड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का, इसको खादी बोलते हैं, गोल्डन खादी। तो ये गोल्डन खादी का जो कपड़ा है, ये हमको इसके ऊपर पहले हम लगा के लेते हैं। इसको ऐसे फिनिश लगा के पहले इसकी गोल्डन बना देते हैं। अगर मोल्ड अच्छा हो तो स्पंज लगाने की जरूरत नहीं है, अभी इसको स्पंज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें खुरदरापन ज़्यादा हो तो इसको आप स्पंज लगा सकते हैं अंदर से, ताकि फिनिशिंग आ जाए। ये कपड़ा इसको लगा के इसको हम यहाँ से सी देते हैं। ये गोल्डन कलर की कैप हमारी अभी तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अभी इसको हम क्या करते हैं, नीचे से पहले जिस कपड़े का हमें कुल्ला बनाना है उसकी एक पट्टी काट के सी देते हैं। इसको ये पट्टी को हमें यहां पे सी देना है। अभी ये एक स्टॉप बचा हुआ है तो इसको हम काट लेते हैं। इसको फोल्ड करके यहां पे सी देते हैं। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अंदर पेपर है। अभी इसको इसके ये हो गई अपनी कैप, कुल्ले की कैप तैयार हो गई। अभी पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो राइट हैंड है इस साइड में तूरा, और ये मैंने ऐसे बना के लिया है। ये देखिए, ये एक फीट की चौड़ाई है इसकी, और पूरा जितना पना होता है उस पने को करके हमने ये तूरा पहले से बना के रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो तूरा है इसके अंदर हमने प्लास्टिक की फिल्म डाली हुई है। ये तूरा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इसको बनाने का तरीका आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं, ये कोई भी बना सकता है। समझो ये कपड़ा है, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसके अंदर प्लास्टिक डाल दिया, डबल सिलाई मार दी, फिर पंखा किया। ये ऐसे पंखा करते हैं, ये तूरा बनाया जाता है। तो ये मैंने पहले से ही आपको दिखाने के लिए रेडी करके रखा है। तो ये तूरे को
हम यहाँ पे लगा देते हैं राइट साइड की तरफ, कुछ लोग लेफ्ट साइड की तरफ भी लगाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर राइट साइड में रखता हूँ। वैसे आप कहीं भी लगाए, ये जैसे घूम सकता है वैसे तीनों तरह साइड से एक जैसा ही दिखाई देता है। यहाँ पे लगाया या यहाँ पे लगाया, पहनने के बाद वो आपको पता चलेगा किस कैसे पहनना है। तो पहले इसको सी देते हैं, यहाँ पे मुझे सीना है। कुल्ले के हाइट से 1-2 इंच थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि वो दिखाने में अच्छा लगे, थोड़ा ज़्यादा रखते हैं ताकि वो खोलने के बाद अच्छा लगे। तो ये अपना तुरा लगा के हो गया, इसको हम बाद में फैला सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। तो अभी ये होने के बाद हमें इसके ऊपर लपेटना है, या ये जो रोल बनाया हुआ है हमने बेकर रोल के अंदर, तो हमने क्या किया है, बेकर ये पहले मैंने कपड़े का सीके लिया है और बाद में इसके अंदर ये बेकर रोल डाल दिया है ताकि फिर ये कपड़े से कवर हो गया। इसको मशीन पे सिलाई की है और उल्टा करके बनाया है। तो अभी इसको हमें लपेटना है इसके ऊपर। ये देखिए ये रेडी है। तो लपेटने से पहले जो बेकर रोल है इसका ये जो हिस्सा है इसको ऐसा पहले सब टेढ़ा काट लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से मैंने काट लिया। काटने के बाद ये ऊपर सरका दिया। तो ये ऐसा बन जाता है पतला। फिर इसको यहां से ये यहां पे तुरे के नीचे की साइड में यहां पे रख के इसको पक्की तरह से सी देना है। इसको थोड़ा ऐसा ऊपर की तरफ करना है ताकि अगला हिस्सा जो है इसके अंदर ये ढक जाए। अच्छा अभी ये हमें प्लेन बनाना है इसलिए हम इसको गोल्डन ये नहीं लगाते, लेकिन अगर को हमें कोई अलग से करना है तो इसमें हम कभी कभी ये ब्लैक कलर की इसमें देखो बीच में मैंने गोल्डन पट्टी भी डाली हुई है, तो इस प्रकार से भी ये बन सकता है। अभी इसको हमें बनाना है प्लेन, बाद में इसको ऐसे खींच के इसके ऊपर लपेट देते हैं। यहां पे आए तो यहां पे हम लगाते हैं एक टाका ताकि ये हिले नहीं। बाद में सब जगह टाके मारने हैं लेकिन पहले हम लपेट के लेते हैं फिर टाके मारते हैं। तो यहां पे मैंने एक टाका ले लिया। ये देखिए ये पहला रिंग बैठ गया। अभी इसके दूसरा रिंग, अभी दूसरा रिंग आ गया। पूरा होने के बाद मार देते हैं एक बार टाका। यहाँ पे टाका मारते समय दोनों के बीच में टाका मारना है ताकि वो टाका छुप जाए। ये लीजिए ये मैंने मार दिया दूसरा टाका। अभी तीसरी लाइन,
तीसरी लाइन होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे टाका मारना है। फिर चौथी लाइन, चलो यहाँ पे हमारी चौथी लाइन खत्म होती है। तो जहाँ पे लाइन हमारी खत्म होती है वहां पे जैसे पहले हमने तिरछा काटा था वैसे ही सेम इसको भी तिरछा काटना है। यहाँ पे मैं काट देता हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा खोल के इसको भी मैं ऐसे काट देता हूँ। फिर ये जो बचा हुआ है इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये यहाँ पे हमने अंदर डाल दिया। अभी ये तुरा जो है इसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसा फुला देते हैं। तो चलो मैं अभी टाके मार लेता हूँ फटाफट। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने पहले से एक लाइन टाके की मार के रखी है, तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मारा मैंने स्टार्ट, इसके अंदर घुसा दिया वापस, ऐसा तिरछा टाके मारते हुए जाना है यहाँ पे, फिर थोड़ा सा आगे आगे की तरफ दो दोनों के बीच में। ये देखिए यहाँ पे बीच में टाका मारता हूँ ऐसे, फिर आगे, फिर वापस नीचे की तरफ ऐसे टाके मारते हुए आना है। यहां पे मारा, तो ये अपना बन गया है पठानी कुल्ला। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ शंका हो, कुछ आशंका हो, तो आप मुझे फोन करके बता दीजिए या कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपकी शंका का जरूर निरसन करूंगा। इसका जो मटेरियल है रॉ मटेरियल वो हमारे पास आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी को बनाने की इच्छा हो पठानी कुल्ला या मेरी जो भी पगड़ी आप बनाने की सोच रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपको मेरे पास मिल जाएगा। तो अलग अलग पगड़ियां सीखिए, बनाइए, ठीक है, नमस्ते।